सरकार करेगी नहीं, क्यों? पंजाब में जीत गई, वो पंजाब में। तो इसको कैसे निकाला जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ AK वर्मा। इस समय हम मौजूद हैं यमुना के किनारे। आप इस तरफ देख सकते हैं कि लोहे का पुल है और उसके ठीक यहां पर यमुना बह रही है। यमुना का जल स्तर पिछले 2 दिन से लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से 30,153 क्यूसेक का जो पानी का प्रवाह है वो बताया जा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दरअसल दिल्ली की मुसीबतें पिछले कुछ महीनों से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहाँ पिछले लगभग 2 महीने पहले दिल्ली में बाढ़ के आसार बन चुके थे, कई इलाके ऐसे थे जो पूरी तरीके से दिल्ली के डूब चुके थे, कई इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर काम काज बिल्कुल ही स्थगित यानी कि पूरे ही तरीके से ठप हो चुका था, और एक बार फिर से वही हालात नज़र आ रहे हैं। दरअसल सोमवार को यमुना का जल स्तर 203.48 मीटर नापा गया था। वहीं इसके बाद मंगलवार को इसका जो वाटर स्तर है जो वो नापा गया था 204.94 मीटर, जो कि 1 मीटर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि जो जल आयोग है, दिल्ली के जल आयोग वेबसाइट है, उस पर उसके अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को इसका जल स्तर 203 मीटर से ज़्यादा था और वहीं मंगलवार को इसका जल स्तर 204 मीटर से भी ज़्यादा का हो चुका है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी यहाँ पर छोड़ा गया है, जिसके कारण इसका जल स्तर बढ़ चुका है। उम्मीद लगाई जा रहा है कि जो यहाँ पर निचले इलाके हैं दिल्ली के, उसमें एक बार फिर से बाढ़ आने की संभावना है। हालांकि अभी जल स्तर उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हम लोग यहाँ पर और भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और क्या हैं दिक्कतें, उनको भी हम आगे चलकर अभी जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक स्थानीय लोग मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम तो गणेश है, मैं घाट नंबर 24 जमुना दिल्ली से मैं रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार को यमुना का जल स्तर बढ़ गया था। मंगलवार को करीब 3:30 बजे पानी बढ़ा अचानक एकदम से, और ये खतरे के निशान को पार कर गया था। अच्छा, अभी कुछ जल स्तर कम नज़र आ रहा है, हम लोगों को 3 फुट उतर गया है। 3 फुट उतर गया तो उसके बाद अभी उतर गया अब दोबारा, ये अभी तबाही मची हुई है हिमाचल में। ये मत समझने खतरा टल गया है, ये तो टेलर था, ये तो फिल्म पूरी बाकी है। क्योंकि अभी जब पिछली बार बाढ़ आई थी उससे ही लोग नहीं उभर पाए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर इस बार पानी आ गया ना तो लोग मर जाएंगे। अच्छा। और दिल्ली से के घाट वाले यमुना बाजार के लोग तो मर ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा है। और केजरीवाल सरकार ने 10,000 रुपये दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपया लोगों का नुकसान है एक घर का। और केजरीवाल को ये लगता है कि सारी जगह झुग्गी झोपड़ी है, ऐसा नहीं है। दिल्ली बाजार के जो दिल्ली के हमारे यमुना बाजार के घर हैं, उसके अंदर घरों में लोगों के AC भी लग रहा है, कूलर पंखे भी लग रहे हैं, और सीटें वीटें डबल बेड सब कुछ है। और ऐसे नहीं सोच सकती कि इनको सारे जो हम 10,000 रुपये दे रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ उन्होंने जोड़ दिया है। कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपये का, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये का सामान हमारा ख़राब है। वो हमको कम से कम 1.5 लाख रुपये कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। तो अभी तक 10,000 किसी को मिले हैं? 10,000 रुपये तीन चार घाट वाले उनको मिल चुका है पीछे, बाकी और किसी को नहीं मिला अभी। नुकसान तो कई लोगों का हुआ, लेकिन पैसे अभी तक किसी को मिल नहीं पाए ठीक से? नहीं मिल पाए। अब ऐसे 10,000 में क्या हो रहा है? इतना तो आपका मिट्टी साफ़ कराने में चले गए होंगे भाई साहब। 20,000 रुपये तो मिट्टी साफ़ करने में अभी तक लग गए, 15,000 बोल रहा था, 20,000 रुपये लग चुके हमारे। और अभी भी मिट्टी कई जगह साफ़ नहीं हो पाई है? अभी तो आधे घाट की मिट्टी साफ हुई, अभी दोबारा पानी आएगा तो फिर सफाई क्या करें बताओ। 20,000 रुपये फिर लगाएंगे दोबारा अगर पानी बढ़ गया। केजरीवाल सरकार 10,000 रुपये दे रही है, 1.5 लाख रुपये सामान नुकसान हुआ है लोगों का, 15-20 दिन काम धंधा उनका बंद हुआ है, इसलिए मुसीबतों का सामना करा। और फिर दोबारा अगर पानी आ गया तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली का यमुना बाजार छोड़ना पड़ेगा लोगों को, यहाँ पर रह नहीं सकते। अच्छा, आप एक चीज़ और बता रहे थे, यहाँ एक मंदिर है यमुना नदी के बीचों बीच, उसका भी मंदिर है। कहते जिस दिन ये मंदिर डूब गया ना तो पूरी दिल्ली डूब जाएगी। अच्छा, यमुना के बीचों बीच बहुत शक्ति है, जिंदा समाधि बाबा की, और जो कोई भी जाता तो मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है। अच्छा, ये कितने टाइम से यहाँ पर है? ये तो करीब, ये तो हमारा पिताजी का जन्म भी नहीं था, बहुत पुराना 90 साल करीब मंदिर है ये। पहले कच्चा था, पक्का बनाया इस मंदिर को। अच्छा, क्योंकि अच्छा पक्का कब बना था ये लगभग? है पक्का तो अभी ये करीब 20-25 साल पहले बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये मंदिर, मतलब मंदिर पिछले कई सालों से बना हुआ है, इस मंदिर को कुछ ही टाइम पहले लगभग 20-25 साल पहले पूरा पक्का बनाया गया। अभी जब यमुना में बाढ़ आई थी उस दौरान भी ये मंदिर पूरे तरीके से यहाँ पर सख्ती से खड़ा हुआ था, इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। लेकिन यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। अभी हम और भी किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर क्या चीज़ें बदली हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सत्यभामा। कहाँ रहती हैं आप? कोडियापुल।
अच्छा, हम लोगों ने सुना भी सोमवार से यमुना का जलस्तर वापस से बढ़ने लगा है। सोमवार से नहीं, आज क्या है, आज बुधवार है। आज नहीं, हाँ बुधवार है, कल बृहस्पतिवार। ये कल परसों से भरा है ये पानी, सोमवार से परसों से बढ़ने लगा है पानी। हाँ, हाँ। तो कितना पानी बढ़ चुका है? पानी ये बढ़ चुका, अब तुम ये अंदाज लगा लो कि ये जो लंबाई कितनी है इसकी, ये देखो अब खोला इन्होंने पानी, वो आ रहा है पानी, ऐसे आ रहा है पानी ये। अच्छा, पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सारी जो जालियाँ थी ऐसे लोहे की, वो सारी लोहे की जालियाँ भर गई हैं। हाँ। और ये ऊपर पुल पे भी आ गया है, क्यों कि पहले मतलब सारा कादा वादा सब नीचे था, सूखा था। मैं वहाँ तक जाके गोलियाँ घेर के आई हूँ। कितनी आगे तक जाती थी आप? मैं वहाँ तक गई हूँ भैया, जहाँ के ये कबूतर ये दूसरा हुआ? नहीं नहीं, वो कबूतर बैठा है वहाँ, तो मैं इस पर से जाती थी। अच्छा, ये जो दूसरा है ना। हाँ। पानी का भाव जी जी, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक, यहाँ तक सूखा था ये। और ये पानी पिछले दो दिन में इतना बढ़ चुका है? दो दिन में इतना बढ़ चुका है। अच्छा, और भी कुछ दिक्कत है? 15 आज 16 है, आज 16 तारीख। हाँ, पानी बढ़ने से कुछ दिक्कतें हो रही हैं अभी? भाई दिक्कत तो होएगी, जो यहाँ रहते हैं घाट पे रहते हैं उनको तो दिक्कत होगी ना भैया। भाई हम तो रहते हैं चांदनी चौक में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, हम तो इनसे बात करके चले जाते हैं, मैं आराम से 1.5 घंटे में, हमें क्या दिक्कत। दिक्कत तो इनको होगी, गटर इनके रुक रहे हैं, पानी इनको साफ करना नहीं पड़ रहा, बेचारे कितने परेशान है। जो पिछली बार का पानी वो भी अभी तक नहीं निकल, अभी तक नहीं निकल पाया, क्योंकि चिकनी मिट्टी है। बिल्कुल चिकनी मिट्टी का कैसे निकालोगे आप ये बताओ? जितनी भी मिट्टी पड़ी हुई अब जाए, मान लो अपन हाथों से निकालेंगे अपन फिसल जाएंगे। बिल्कुल है, तो चिकनी मिट्टी को तो आप नहीं निकाल सकते ना, तो इसको कैसे निकाला जाए? पानी से, पानी में भवाया जाए पाइप लगा के, या फिर इसको फावड़ी से खोद के ट्रॉली में भरा जाए, फिर और कहीं डाला जाए। बिल्कुल, तो ये तो मतलब सरकार करेगी ना, और वो अभी कर नहीं रहे। और सरकार करेगी नहीं, क्यों? वो पंजाब में जीत गई, वो पंजाब में। अभी आपने देखा है कि यहाँ पर पिछले कुछ 15-20 दिन पहले तकरीबन बाढ़ के पूरे हालात थे, यहाँ पर कई शहर कई जगह ऐसे यहाँ पर जो डूब चुके थे। ये जो मिट्टी अभी आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी उसी दौरान की पड़ी हुई है। मैं एक बार आपको फिर से, बिल्कुल मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जब यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो रोहन आप दिखा दीजिए, ये जो बाउंड्रीज है ना, ये नाम भी नहीं था, ये पूरे तरीके से डूब चुके थे उस दौरान। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी, यहाँ पर चलने की जगह नहीं थी, ऐसे कोई रास्ता नहीं था, ये तो लोगों ने खुद यहाँ पर साफ किया है। लेकिन एक बार फिर से जल स्तर बढ़ चुका है, अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो निचले इलाके हैं उसमें एक बार फिर से बाढ़ आ सकती है। अभी और भी चल के हम लोग देखेंगे कि आगे क्या दिक्कतें हो रही हैं। अभी यहाँ पर आपने स्थानीय लोगों से सुना है कि यहाँ पर पिछले दो दिनों में यमुना का जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ा था। मैं भी आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके अनुसार यमुना का जलस्तर सोमवार और मंगलवार को इन सीढ़ियों तक आ पहुँचा था। हालाँकि एक दिन में ये पानी थोड़ा तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो स्थानीय लोग उनके अनुसार कि यहाँ पर यमुना का जलस्तर एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ सकता है। मैं यहाँ पर आपको साथ में बताना चाहूँगा, जो दिल्ली के केंद्रीय जल आयोग है उसके अनुसार दिल्ली का जो यमुना नदी है इसका जलस्तर सोमवार को 203.48 मीटर था, वहीं ये जलस्तर मंगलवार को बढ़कर 204.94 मीटर तक पहुंच गया था, जिसके कारण ही यमुना का जलस्तर यहां तक आ पहुंचा था। दरअसल मैं आपको यहां पर और बताना चाहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से यह गंगानगर यमुना जो हरियाणा में हथनीकुंड बैराज है वहाँ से लगातार जो पानी छोड़ा गया था, अभी लगभग वहाँ से 30,153 क्यूसेक पानी का जो प्रवाह है वो नापा गया था, जिसके कारण यहाँ पर यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। अभी दिल्ली वालों की मुसीबतें कम नहीं थी, क्योंकि जो 15 से 20 दिन पहले दिल्ली में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से यहाँ पर लगातार पानी बढ़ रहा था। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी दूर तक रेत पड़ा हुआ है, ये मिट्टी पड़ी हुई है। इससे पहले जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो ये मकान सभी यहाँ पर पानी में डूब चुके थे।
और एक बार फिर से अभी भी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि केंद्रीय जल आयोग विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर बताया जा रहा है कि यमुना के किनारे जो भी निचले स्तर है वहाँ अभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि ये तो तभी पता चलेगी जब यमुना का जल स्तर एक बार फिर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैमरामैन रोहन के साथ में केवल मैं N27 न्यूज़ गाजीपुर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।